गजवाए हिंद करते हुए यानी भारत पर हमला करते हुए अगर कोई शहीद होता है, कोई मारा जाता है, तो वो उसका सर्वोच्च महान बलिदान माना जाएगा। बेहद आपत्ति है, यह राष्ट्र विरोधी और संविधान विरोधी जो है फतवा है। ये देश को नुकसान पहुंचाना, देश की तरक्की को, राष्ट्र की तरक्की को नुकसान पहुंचाना, इसके अलावा कुछ नहीं। तो तुरंत इन पे बंद होना चाहिए, इन पे बैन लगना चाहिए। ऐसा रामराज्य चाहिए कि सामने जज के सामने सुनवाई हो और तुरंत फैसला हो और तुरंत उस पर कार्रवाई हो, जैसा कि इस्लामिक स्टेटों में होता है। आतंकवादी को इस प्रकार का जो सहयोग और जिस प्रकार का उनका सम्मान किया जाएगा तो देश के लिए बड़ा खतरनाक है। देवबंद में लादेन से लेकर बगदादी तक उसी विचार से जुड़े हुए लोग रहे हैं। हमारे देश को उन बच्चों के दिमाग में दुश्मन की तरह निरूपित करना राष्ट्रद्रोह है। लेकिन अगर मुसलमान संवैधानिक रूप से ये चाह ले कि ये मेरा देश इस्लामिक स्टेट हो जिसमें चोरी करने पर हाथ काटा, तो वो आतंकवादी हो जाता है, वो दहशतगर्द हो जाता है। कार्रवाई जरूरी है, नहीं तो ये विश्वमन करने वाले सांप जाने कितनों को निगल जाएंगे। ऐसे समय पे गजवाए हिंद जैसा बयान देना कि क्या कुछ अप्रत्यक्ष संदेश है। देश में जो भी मदरसे चल रहे वो औरंगजेब के जमाने के बनाए हुए सिलेबस के आधार पर चल रहे। और बात करेंगे गजवा पर गदर की। दारुल उलूम देवबंद गजवा हिंद यानी कि भारत पर आक्रमण वाले फतवे को जायज ठहराने का बुरी तरह से गिर गया। दारुल उलूम के फतवे के विरोध में हिंदू संतों ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए देवबंद पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी है। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का तो यहां तक कहना है कि दारुल उलूम देवबंद में सिर्फ आतंकवादी पैदा होते हैं जो देश के लिए खतरनाक है। उत्तर प्रदेश में देश की सबसे बड़ी इस्लामिक संस्था दारुल उलूम देवबंद गजवाए हिंद यानी भारत पर हमले वाले अपने फतवे को मान्यता देने पर बुरी तरह से घिर गया है। एक तरफ NCPCR यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस फतवे को देश विरोधी बताते हुए सहारनपुर के DM और SSP से इस मामले पर FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है, तो वहीं दारुल उलूम देवबंद के फतवे के खिलाफ संत समाज में अच्छा खासा रोष है। दारुल उलूम देवबंद के फतवे पर अयोध्या के संतों ने नाराजगी जताते हुए मांग की है कि फतवा जारी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने फतवे पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मदरसा दारुल उलूम देवबंद में सिर्फ आतंकवादी पैदा होते हैं जो देश के लिए खतरनाक है। सरकार को ऐसे मदरसे पर तत्काल प्रतिबंध लगाना चाहिए। जो ऐसे कह रहे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई किया जाए, क्योंकि इसी प्रकार से जब ये लोग बढ़ते रहेंगे और आतंकवादी पैदा होते रहेंगे, आतंकवादी को इस प्रकार का जो सहयोग और जिस प्रकार का उनका सम्मान किया जाएगा तो देश के लिए बड़ा खतरनाक है। बहुसंख्यक जो है हिंदू है कभी भी इस प्रकार के की घोषणा नहीं करता कि किसी को निकाल बाहर किया जाएगा, किसी के विरुद्ध जो है कोई घोषणा नहीं करता है। लेकिन इस प्रकार से बीच बीच में जो घोषणाएं की जाती हैं या फतवा जारी की जाती है, ये राष्ट्र को कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाने वाले होते हैं। दरअसल दारुल उलूम देवबंद ने अपनी वेबसाइट पर एक फतवा जारी करते हुए कहा था कि गजवाए हिंद यानी भारत पर आक्रमण का जो जिक्र इस्लाम की धार्मिक किताबों में मिलता है वो बिल्कुल वैध और जायज विचारधारा है। दारुल उलूम देवबंद के मुताबिक किसी शख्स ने गजवाए हिंद को लेकर ऑनलाइन उससे सवाल किया था और उसी के जवाब में दारुल उलूम ने ये बात कही थी। लेकिन अब दारुल उलूम के इस फतवे के खिलाफ हिंदू संत समाज और मुस्लिम स्कॉलर दोनों ही उठ खड़े हुए हैं।
तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य के मुताबिक गजवाए हिंद को मान्यता देना राष्ट्र विरोधी मानसिकता है, तो दूसरी तरफ जमियत हिमायतुल इस्लाम के अध्यक्ष कारी अब्रार जमाल के मुताबिक दारुल उलूम का गजवाए हिंद का फतवा महज एक सियासी हथकंडा है। बेहद आपत्ति है, यह राष्ट्र विरोधी और संविधान विरोधी जो है फतवा है। और मैं सरकार से मांग करता हूं कि भारत में सभी मदरसों पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि दारुल उलूम देवबंद से मदरसे संचालित हैं। हिंदुस्तान जैसे सेकुलर मुल्क में इतनी खूबसूरत गंगा जमुना तहजीब जैसी मिसाल वाले देश के अंदर इस तरह के फतवों का वायरल होना और उस पर सियासी रोटी सेकना, ये देश को नुकसान पहुंचाना, देश की तरक्की को, राष्ट्र की तरक्की को नुकसान पहुंचाना, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। गजवाए हिंद इस्लाम की वो विचारधारा है जिसका जिक्र हदीस में मिलता है। हदीस को इस्लाम में कुरान के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक पुस्तक माना जाता है। कुछ लोग दावा करते हैं कि हदीस में इसकी भविष्यवाणी की गई है कि एक दिन इस्लामिक सेनाएं भारत पर हमला करेंगी और यहां रहने वाले हर गैर मुसलमान को मुसलमान बनाएंगी। दारुल उलूम देवबंद के मुताबिक उनकी धार्मिक पुस्तक सुन अल नसाई में गजवाए हिंद पर पूरा एक चैप्टर है जिसमें यह कहा गया है, मैं इसमें लड़ूंगा और अपनी सभी धन संपदा को कुर्बान कर दूंगा, मर गया तो महान बलिदानी बनूंगा, जिंदा रहा तो गाजी कहलाऊंगा। अब दारुल उलूम देवबंद के गजवाए हिंद फतवे को जायज ठहराने पर NCPCR यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस फतवे को देश विरोधी बताते हुए सहारनपुर के DM और SSP से इस मामले में FIR दर्ज कर फौरन कार्यवाही करने के लिए कह दिया। दारुल उलूम देवबंद अपनी वेबसाइट पर लिखते हैं कि गजवाए हिंद करते हुए यानी भारत पर हमला करते हुए अगर कोई शहीद होता है, कोई मारा जाता है, तो वो उसका सर्वोच्च महान बलिदान माना जाएगा। इस तरीके का जहर बच्चों के दिमाग में भरना खतरनाक है, और बच्चे भी भारत के हों या पाकिस्तान के हों या बांग्लादेश के हों, हमारे देश के खिलाफ उनके दिमाग में नफरत पैदा करना, हमारे देश को उन बच्चों के दिमाग में दुश्मन की तरह निरूपित करना राष्ट्रद्रोह है। NCPCR ने ये आदेश दिए हैं कि ये अगेंस्ट है, बच्चों के राइट्स के अनुसार अधिकारों के हनन है और तमाम कानून की परिधियों के प्रतिकूल है। उसका राष्ट्रीय NCPC का एक आर्डर प्राप्त हुआ है जिसमें FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले भी साल 2022 और 2023 में भी दारुल उलूम देवबंद में गजवाए हिंद के फतवे को लेकर विवाद हो चुका है। वैसे एक हकीकत ये भी है कि दुनिया के बड़े आतंकवादी संगठन देवबंदी विचारधारा से प्रभावित रहे हैं।